नमस्कार दोस्तों, आज दुनिया का हर इंसान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। आज दुनिया की पॉपुलेशन 750 करोड़ है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मतलब 850 करोड़ के आसपास मोबाइल फोन्स आज दुनिया भर में अवेलेबल है। क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला मोबाइल कॉल या फोन कॉल कब हुआ था? 1973 में न्यूयॉर्क में मैनहट्टन कॉर्नर स्ट्रीट से मार्टिन कूपर ने, जो कि मोटोरोला कंपनी का मैनेजर था, उसने ये पहला कॉल किया था। उस वक्त मोबाइल का वजन था करीबन 1100 ग्राम, 1 किलो और 100 ग्राम, और उसकी कीमत थी $4,000। 1907 में पंच मैगजीन में लेविस बार्मर, इस इंग्लिश कार्टून पेंटर ने अपने एक पेंटिंग में दिखाया था कि एक लेडीज एक व्यक्ति को बात कर रही है, वो भी एक वायरलेस टेलीफोन के जरिए। 1928 में बनी चार्ली चैपलिन की मूवी द सर्कस में भी एक लड़की के हाथ में एक डिवाइस दिखाया गया था जो कि मोबाइल फोन के जैसा था, और वो लड़की उस मोबाइल फोन के जरिए चलते चलते बात भी कर रही है, ऐसा उस मूवी में दिखाया गया था। आप वो मूवी जरूर देखिएगा। 1930 तक तो टेलीग्राफ का इन्वेंशन हुआ था और डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना ईजी हो रहा था। इस वक्त तक तो टेलीफोन का भी इन्वेंशन हुआ था, लेकिन इन सब में एक बड़ा प्रॉब्लम था कि ये सब वायर्स से कनेक्ट होती थी, तो एक जगह से दूसरी जगह टेलीफोन को ले जाकर हम बात नहीं कर सकते थे। हमें चाहिए था कि वायरलेस कम्युनिकेशन हमें चाहिए था, और वायरलेस कम्युनिकेशन इन्वेंशन होने के लिए अभी बहुत वक्त गुजरना था। वायरलेस मोबाइल फोन का इन्वेंशन किसने किया, इस पर आज भी डिबेट है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता, या हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इसी इंसान ने वायरलेस मोबाइल फोन का इन्वेंशन किया है। सन 1908 में प्रोफेसर अल्बर्ट जैनके और प्रोफेसर ऑकलैंड एरियल और उनकी कंपनी टेलीफोन एंड पावर, इन्होंने दावा किया कि उन्होंने वर्ल्ड का पहला वायरलेस टेलीफोन बनाया था, जो कि दावा बहुत हद तक सच भी था, लेकिन बाद में उन्होंने इसमें इन्वेंशन नहीं किया और ऐसे टेलीफोन का प्रोडक्शन भी बंद किया। उस वजह से उनका यह दावा फेल हो गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वायरलेस टेलीफोन या वायरलेस कम्युनिकेशन की शुरुआत 1921 में हुई थी। यूएस के मिशिगन स्टेट के डेट्रॉइट सिटी के पुलिस कमिश्नर विलियम रटलेज, इनके कार्यकाल में ये सर्विस शुरू हुई थी, लेकिन ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं थी, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक वक्त में सिर्फ बात कर सकते थे और दूसरा इंसान सिर्फ सुन सकता था। एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम AMPS, ये एक एनालॉग मेथड थी। इसी को हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, 1G फोन्स। इसमें हम सिर्फ बात कर सकते थे, लेकिन जो एनालॉग में हम जो बात करते थे, हमारे साउंड वेव्स जो कि हम ऊपर नीचे होती है, जब हम जोर से बात करें तो हाई वेव्स और लो कम साउंड में बात करें तो कम वेव्स, तो इस एनालॉग वेव्स को एनालॉग रेडियो वेव्स में कन्वर्ट किया जाता था और रिसीवर एंड पे उसे फिर से डिकोड करके सामने वाले को सुनाई देता था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, अगर एनालॉग वेव्स में कुछ डिस्टर्बेंस आया तो सामने वाले को ठीक से सुनाई नहीं देगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम था, जैसे शेयर मार्केट के बारे में, बैंक बैलेंस के बारे में अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर रेडियो वेव्स में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया तो फिर सामने वाले को ठीक से सुनाई नहीं देगा और इम्पॉर्टेंट बातें हम फोन पे नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमें कुछ तो टेक्स्ट फॉर्मेट में भेजना जरूरी था। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में ये पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल था सेकंड जनरेशन फोन्स में, जहाँ पे हम SMS कर सकते थे। उसी वक्त यूरोप में और बाकी दुनिया में GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, ये सिस्टम यूज होने लगी। इसी को हम सेकंड जनरेशन कहते हैं। सेकंड जनरेशन मोबाइल फोन्स में हम जो भी बात करते हैं कम ज्यादा आवाज में, उस आवाज को उस वेव्स को 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता था, और वो रिसीवर एंड पे फिर 0 और 1 को डिकोड करके सामने वाले को हम जो भी बात किए वो उसको ठीक से सुनाई देता था। तो एनालॉग के जैसा, फर्स्ट जनरेशन के जैसा प्रॉब्लम सेकंड जनरेशन में नहीं था, क्योंकि जो भी बातें होती थी वो 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होती थी, और सेकंड जनरेशन में हम टेक्स्ट भी कर सकते थे, SMS भेज सकते थे। तो इम्पोर्टेंट कोई बातें हैं तो हम फोन पे बात करने के बजाय उसको टाइप करके हम भेज सकते थे सेकंड जनरेशन फोन्स में। सेकंड जनरेशन फोन्स में SMS लाने का पूरा क्रेडिट जाता है नोकिया कंपनी को।
ये SMS सर्विस इतनी पॉपुलर हो गई कि बाद में फिर लोगों ने फोन पे बात करने से ज्यादा फिर SMS से ही बातें करना चालू किए। लोग घंटों चैटिंग से ही लोग घंटों SMS से ही बातें करने लगे, लेकिन बाद में SMS सर्विस पेड हो गई और फिर इसका इस्तेमाल लिमिटेड होने लगा। 2G मोबाइल फोन्स में हम इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। क्या 2G मोबाइल फोन्स में इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सकता है? इस पर इंजीनियर्स ने काम करना शुरू किया और वो GPRS टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल भी हो गया। हम डेटा पैकेट्स 2G मोबाइल फोन्स में डाल सकते हैं और इंटरनेट चला सकते हैं। इसे 2.5G कहा जाता है। सन 2000 में 3G टेक्नोलॉजी आ गई और इसमें हम इंटरनेट के साथ साथ वीडियो कॉल्स भी कर सकते थे। और आज तो हम 4G का इस्तेमाल करते हैं। 4G का डेटा रेट बहुत ज़्यादा है, करीबन 1 GB पर सेकंड किसी स्टेबल जगह पर। और बुलेट ट्रेन में अगर हम 4G इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ हमें 100 MB पर सेकंड का स्पीड मिलेगा। 3G और 4G के वजह से स्मार्टफोन्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। मोबाइल टावर्स और मोबाइल फोन्स के एक्सेस यूज़ के वजह से उसका इफेक्ट इंसान के हेल्थ पर या फिर बर्ड्स के लाइफ पर होता है। बहुत से तो ऐसे डिस्कशन साइंटिस्ट के बीच में शुरू हुए थे कि मोबाइल टावर्स के रेंज के वजह से बहुत से बर्ड्स मर जाते हैं। इसके ऊपर इंडिया में एक मूवी भी बना था, रोबोट 2.0, अक्षय कुमार की, आप सभी ने देखी भी होगी। लेकिन बाद में इसके ऊपर आज भी डिबेट है और इसका कोई डिटेल साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि रेंज की वजह से बर्ड्स किल होते हैं या नहीं। आज तो हम सब 5G की बातें करते हैं। 5G का डेटा रेट बहुत ज़्यादा है, करीबन 5 GB पर सेकंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब की हम आज बातें करते हैं और इसका इस्तेमाल भी आज हो रहा है। इसको बड़े पैमाने पे यूज़ करने के लिए हमें 5G टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। 2020 तक 5G मार्केट में आएगा ऐसे एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन 2019 में ही चीन के हुआई कंपनी ने यह डिक्लेयर किया कि उनके पास 5G रेडी है और वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये सुनकर तो सब हैरानी हो गए। COVID-19 पैंडेमिक के दौरान एक बात बहुत वायरल हो चुकी थी कि 5G टावर्स की वजह से इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाती है और इससे कोरोना वायरस भी बहुत तेजी से फैलता है। इसके ऊपर बहुत ये व्हाट्सएप पे इंडिया में भी और यूरोप में भी ये न्यूज़ बहुत वायरल हो गई और लोगों ने हद कर दी कि जाकर 5G के टावर्स को भी उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन बाद में इस पे रिसर्च हुआ और ये प्रूफ हो गया कि 5G का और कोविड का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जिस देशों में आज भी 5G टावर्स नहीं है उसी देश में कोरोना बहुत तेजी से भी फैल रहा था। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। आज हम सबके पास स्मार्टफोन है। इसकी कहानी भी बहुत मज़ेदार है। 16 अगस्त 1994 में IBM कंपनी ने फ्लोरिडा में हुए वायरलेस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में पहले स्मार्टफोन की अनाउंसमेंट की। इस स्मार्टफोन में कैलेंडर, कैलकुलेटर, वर्ल्ड क्लॉक, गेम्स, ये सब सर्विसेज थी। और पहली बार इसमें टच स्क्रीन का भी इस्तेमाल किया गया था। टच स्क्रीन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल थी, इस स्मार्टफोन में। 1997 में फिलिप काल इस फ्रांस के इंजीनियर ने पहला कैमरा फोन बनाया था, फर्स्ट मोबाइल कैमरा फोन। और इसी कैमरा फोन से उसने उसकी छोटी लड़की सोफी के फोटोज लिए गए थे। यही वो फोटोज है, दुनिया के पहले फोटोज है जो कि एक मोबाइल कैमरा से लिए गए थे। 1990 के दशक में तो एक माइंड ब्लोइंग इन्वेंशन हुआ जिसका नाम था ब्लूटूथ। कंप्यूटर, प्रिंटर, माउस, हर एक चीज एक दूसरे को वायर से कनेक्ट थी और ये बहुत परेशान करने वाली बात थी कि कौन सा वायर किस चीज़ का है। तो हमें कनेक्टिविटी के लिए एक वायरलेस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी और उसी टाइम ब्लूटूथ का इन्वेंशन हुआ। और आज तो हम देखते हैं कि हम हमारे मोबाइल फ़ोन्स को भी, हमारे ईयरफोन्स, हेडफोन्स हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। बहुत सी चीज़ें आज ब्लूटूथ से कनेक्ट है और हम आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिना वायर। आज तो स्मार्टफोन में सब कुछ है, क्लॉक, कैलेंडर, डायरी, गेम्स, इंटरनेट, व्हाट्सएप, कैमरा, टीवी, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, ऐसी बहुत सी चीज़ें आज स्मार्टफोन में अवेलेबल है। ये सब यूज़ करने के लिए हमें चाहिए एक फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि गूगल की एंड्रॉयड थी, सैमसंग की बाड़ा, नोकिया की सिम्बियन, विंडोज़ की माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल की iOS। लेकिन सबसे ज़्यादा कंपटीशन था नोकिया की सिम्बियन और गूगल के एंड्रॉयड में, और इस कंपटीशन को जीता गूगल के एंड्रॉयड ने।
और नोकिया ने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं किया और विंडोज़ के साथ चला गया, और एंड्रॉयड इतनी पॉपुलर हो गई कि आज वर्ल्ड दुनिया भर में एंड्रॉयड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। एक वक्त दुनिया में मोबाइल फ़ोन्स के एम्परर में सबसे ज़्यादा नाम करने वाली नोकिया कंपनी आज खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि उसने शुरुआत में एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो हमने 1G से लेके 5G तक मोबाइल फ़ोन्स के एक टाइमलाइन को देखा है। आगे चल के स्मार्टफोन्स में और भी बहुत से तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हम कितना टेक्नोलॉजी में और कितने इन्वेंशंस आने वाले हैं, और डेफिनेटली बहुत चौंका देने वाली इन्वेंशंस मोबाइल फ़ोन्स में आने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो ऐसा ही एकदम नॉलेजेबल, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वाला, नॉलेज वाला वीडियो रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।